सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम CA अभिषेक बरड़िया है एंड आई एम वन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। तो मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ और हम किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलाते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन हो जाए। तो पहले अबाउट माई चार्टेड अकाउंटेंसी, तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट बना था इन द ईयर 2011 में। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद आई हैड बीन इन टू द फाइनेंस फील्ड एज अ फाइनेंस मैनेजर, इन द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर, और देयर आफ्टर वहाँ से आने के बाद आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इस फील्ड में आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व इन टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ वो है कंपनी सेक्रेटरी के फाउंडेशन लेवल पे आई एम टेकिंग अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट। उसी का जो नेक्स्ट लेवल है CS एग्जीक्यूटिव, उसमें टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है वो मैं लेता हूँ। चार्टेड अकाउंटेंसी में जो अभी रीसेंट चेंजेस आए हैं तो उसमें CA फाउंडेशन में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, वो भी मैं ले रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम इट CA इंटर, द सेकेंड स्टेज ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी, उसमें जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इन ग्रुप 2, उसे भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो सवाल है हम पढ़ते कैसे क्लास में, या व्हाट इज अवर वे एंड मेथोडोलॉजी विच इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो क्लास में प्राइमरीली, बी इट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और बी इट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मेरी क्लास में दो चीजों पे मैं प्राइमरीली फोकस करता हूँ। फर्स्टली अगर बात करें कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये दो चीजों का कंप्लायंस मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा रहे मेरी क्लास में। पहला, कई बार कोई थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आप बुक में पढ़े या बुक की लैंग्वेज में पढ़े तो वो हो सकता है उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो, या रिकॉलिंग पावर जिसको हम बोलते हैं वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एग्जाम में जब उन पे सवाल आते हैं तो हमें पता सब कुछ होता है पर हम लिख नहीं पाते क्योंकि वी आर अनेबल टू फ्रेम अ पॉइंट फॉर इट, क्योंकि एग्जाम में ईच एंड एवरी पॉइंट कैरी मार्क्स। तो उसके लिए प्राइमरीली मैं जो फोकस करता हूं वो है प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स। तो जो भी टॉपिक हो थ्योरेटिकल, उसको मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि वो चार्ट्स के थ्रू आप तक पहुंचे, चार्ट्स के थ्रू वो चीजों को आपको समझाया जाए ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि वो कितने पॉइंट्स में बाइफर्केटेड है, उसमें कितने पॉइंट्स आने हैं, और हर चार्ट में हर पॉइंट की एक हेडिंग रहती है। तो अल्टीमेटली जब वो हेडिंग हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती है तो एग्जाम में हम वो चीजों को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो हम एक हेफजेड मूवमेंट को अवॉइड करते हैं और एक्सक्लूसिवली जो पॉइंट है उसी पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो ये मेरी ऑलमोस्ट हर चैप्टर्स में, इनकम टैक्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मैं मेरा तरीका थ्रू समरी शीट्स, थ्रू चार्ट्स बना के ही पढ़ाने का। सेकेंडली अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दिस समरी शीट्स एक चीज पे और फोकस करता हूं मैं, वो है कि क्लास के शुरुआती 5 से 10 मिनट वी डोंट एंटर इनटू न्यू टॉपिक्स। डेली बेसिस पे वी हैव दिस रूटीन फीचर कि 5 से 10 मिनट हम उन्हीं चीजों को दें जो हमने पास्ट में पढ़ रखा है। हर बार नई नई चीजें लेने के बजाय पहले लेट अस ट्राई एंड रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। तो इसलिए प्राइमरीली मैं फोकस करता हूं कि पुराना जो भी हमने पढ़ा है वो पुरानी चीजें पहले रिकॉल हो जाए ताकि आगे जब हम कंटिन्यू करें तो हमारा माइंडसेट में वो चीज क्लियर हो कि हम कहां पढ़ रहे हैं। तो ये दो यूनिक फीचर हैं जो ऑलमोस्ट मैं अपनी हर क्लास में कोशिश करता हूं फुलफिल करने का, एंड दिस इज हाउ वी प्रोसीड इन अवर एवरी क्लास। थैंक यू।